चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतरीन वातावरण बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत शिद्दत के साथ, बहुत गंभीरता के साथ लड़ रही है और लगातार हर डीडीसी के हमारे जो कैंडिडेट हैं पर्चा भरने के बाद लोगों के साथ व्यक्तिगत संपर्क बनाया हुआ है। और उधमपुर जिले की हम लाठी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पिछले 3 दिनों से लगातार हर पंचायत में व्यक्तिगत तौर पर हमारी कैंडिडेट पिंकी देवी जी और हमारे मंडल प्रेसिडेंट हंसराज जी, हमारी पार्टी की सीनियर लीडर व्यंत गुप्ता जी और हमारे सभी कार्यकर्ता बेहतरीन तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों के अंदर एक उत्साह है, लोग आज भी मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आदरणीय मोदी जी के प्रति, मोदी जी की चलाई हुई जितनी भी योजनाएं हैं आज गरीब व्यक्तियों तक पहुंच रही है। आज लोगों के अंदर एक बदलाव का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मैं यकीनन कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उधमपुर जिले की 14 की 14 सीटें जीत गए हमारे पूरी लीडरशिप के हाथ मजबूत करेगी और जम्मू के अंदर जितनी भी सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। वैसे ही हमारी ये लाठी की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। भारतीय जनता पार्टी हमारी ये टेरिटोरियल काउंसिल लाठी और इसके बाद बसंतगढ़ का भी आज हमारा प्रवास है। बसंतगढ़ के अंदर भी वातावरण बहुत बेहतरीन है। वहाँ की हमारी कैंडिडेट मधुबाला और हमारी वहाँ के चुनाव प्रभारी केवल परिहार जी बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ एक टीम को खड़े किए हुए हैं और हम यकीनन कह सकते हैं कि हम उधमपुर की सारी सीटें जीत के पार्टी की झोली में डालेंगे।